सबसे पहले तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां भस्म आरती में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। प्रमोद सावंत ने भगवान से गोवा और देश की तरक्की और खुशहाली की प्रार्थना की। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकलकर आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया श्री अश्लेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। दोनों ने करीब 15 मिनट तक महादेव की पूजा अर्चना की और राज्य की तरक्की की कामना की। आस्था की यह तस्वीर गुजरात के नवसारी से आई है, जहां बिलीमोरा के सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए लंबी कतार नजर आई। भगवान के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। नवरात्र अभी दूर है, लेकिन गुजरात पर अभी से गरबा का रंग चढ़ने लगा है। सूरत में भारी संख्या में युवा गरबा की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। गरबा के लिए इकट्ठा हुए ये लोग जुनून में नजर आए। महाराष्ट्र के जलगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बना। ढोल नगाड़े बजाकर नाच गाकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। योग की दुनिया से गुड न्यूज निकलकर आई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से यहां 1,100 लोगों ने सेतुबंद आसन करके रिकॉर्ड बनाया। सेतुबंद आसन के साथ लोगों ने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में इस बार वीकेंड पर गंगा घाट और बाजार दोनों खूब गुलजार नजर आए। दिल्ली में G20 समिट के चलते यहां से काफी लोग हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे और वीकेंड का लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसका मकसद बंगस घाटी की विशिष्टताओं को दुनिया के सामने लाना है। कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से उत्सव में चार चांद लगाया। श्रीनगर में अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दो दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में शानदार पेंटिंग्स ने लोगों का मन मोह लिया। पेंटिंग्स में कश्मीर की खूबसूरती और विरासत को शानदार अंदाज में दिखाया गया।